नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ इस वक्त नेशनल खबर 9 पर फारूक अब्दुल्ला। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री अनिल राजभर का जखनिया तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत मंत्री अनिल राजभर ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, हर सुख दुख में भाजपा सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। आम जन जीवन से जुड़ी हर कार्यों को भाजपा सरकार सरलता से लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल के आदर्शों पर चलते हुए शोषित वंचित दलित हर वर्ग के पिछड़े समाज के उत्थान के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी ने राजभर समाज सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो फैसला किया है उसको सही जामा पहुंचाने में भी जो कानूनी दिक्कतें आ रही हैं इस पर विचार चल रहा है और जल्दी उसका सही सलूशन निकाल लिया जाएगा। अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा सही और गलत को पहचानती है, इसलिए आपके समाज का कौन सही विकास कर सकता है उसको सम्मान देती है और कौन बहुरूपिया बनकर सिर्फ समाज को ठगने का काम करता है उसको बाहर का रास्ता भी दिखाती है। मंत्री राजभर हथियाराम और मुड़ियाराम में भी जनसभाओं को संबोधित किया, इसके साथ ही साथ वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य ब्रजेंद्र राय, भाई जुमो जिला उपाध्यक्ष प्रमोद वर्मा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इंद्रदेव कुशवाहा, भाजपा महामंत्री ओम प्रकाश राम, अनुसूचित जाति के लाल जी गोंड, मंडल अध्यक्ष उमाशंकर यादव, धर्मवीर राजभर, कैलाश वर्मा, अशोक गुप्ता, प्रशांत सिंह, आलोक यादव, पारस पांडे, सूरज खगार, विवेक पांडे, सतीश सिंह, सोनू सिंह, गुड्डू मोदनवाल, दिनेश गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और भी ऐसी ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल खबर 9 पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।